नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर सत्य वचन के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। और आज हम बताएंगे आपको पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार का सत्य वचन आखिर क्या है। पाकिस्तान में हिंदुओं की जो आबादी है वो अब घटते घटते महज 2% के आसपास रह गए। अच्छा, एक आंकड़े के मुताबिक तो 5000 हिंदू हर साल भारत में आ जाते हैं, लेकिन हिंदुओं की आबादी घटने के पीछे की वजह उनका पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान भागना नहीं है, बल्कि वहां पर अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार होता है वो इसके पीछे की बड़ी वजह है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में जो हिंदू थे उनमें से करीब 52% हिंदुओं का तो जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है, और इसके लिए बाकायदा पाकिस्तान में माफिया है, गैंग है जो काम करता है। जुल्म सितम ऐसा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए इबादत करने वाली जगह भी निशाने पर ली जाती है। ये तस्वीरें बता रही है कि पाकिस्तान कैसे दुनिया के सामने अपने पाप को छिपाने की कोशिश कर रहा है। पहले अल्पसंख्यकों की इबादत की जगह को तबाह किया जाता है और फिर दुनिया भर में आलोचना के बाद उसकी मरम्मत का काम किया जाता है। लेकिन इन कोशिशों से पाकिस्तान की करनी पर पर्दा नहीं डल सकता, क्योंकि ऐसे एक दो मामले नहीं बल्कि हर साल, या यूं कहें कभी कभी तो हर दूसरे महीने पाकिस्तान से ऐसी तस्वीरें आती हैं जैसी 4 अगस्त को दुनिया के सामने। 2 दिन पहले पाकिस्तान के पंजाब में रहीम यार खान इलाके में एक गणेश मंदिर के भीतर तोड़फोड़ की गई। 2 तस्वीरों के जरिए देखिए हिंदुओं का जीना किस कदर वहाँ मुश्किल है। पहली तस्वीर में दिख रहा है दिलों में अल्पसंख्यकों के लिए नफरत से भरे लोगों की भीड़ किस कदर रहीम यार खान इलाके के इस मंदिर की तरफ बढ़ती है, हाथों में लाठी डंडे के साथ। जब ये भीड़ भीतर घुसती है तो भगवान की मूर्तियों पर लगे शीशे को तहस नहस किया जाता है। लाठियों से मारकर शीशे चकनाचूर कर दिए गए, लाइट पंखे तक को तोड़ दिया गया। देखिए लोहे की एक बीम को 10 लोगों ने पकड़कर किस तरह मूर्तियों को तोड़ने की कोशिश की। हिंदुओं के मंदिर में कट्टर लोगों की इस करतूत को देखकर पूरी दुनिया ये सवाल कर रही है कि क्या इमरान खान का नया पाकिस्तान यही है? क्या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में गैर इस्लामी लोगों को जीने का हक नहीं है? क्या पाकिस्तान में गैर मुस्लिम लोगों को इबादत का भी अधिकार नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि नया पाकिस्तान के नारे के बावजूद इमरान सरकार में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कम नहीं हुए। पाकिस्तान के भीतर अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं के हालात को लेकर सत्य वचन यही है कि यहाँ निजाम कोई भी हो, हिंदू लड़कियों के अपहरण, उनकी जबरन शादी और धर्म परिवर्तन करने का काम संगठित तौर पर बेखौफ तरीके से किया जाता है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की एक कहानी हिंदुओं के मंदिरों पर हमला भी है, इसे इस आंकड़े से समझिए। पाकिस्तान के भीतर ही किए गए एक सर्वे के मुताबिक 2014 में वहाँ हिंदू मंदिरों की संख्या 428 थी, जबकि आजादी यानी 1947 में ये आंकड़ा 1200 के करीब था। पर आज 2021 में महज 30 से 40 हिंदू मंदिरों में ही पूजा पाठ होता है। उसकी वजह है पाकिस्तान में लगातार ऐसी घटनाओं का होना। 2020 में ही हिंदू मंदिरों में हिंसा और तोड़फोड़ की 7 घटनाएं हुई। 2019 में भी 2 जगहों पर हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान के रहीम यार खान इलाके से 4 तारीख को जो तस्वीर सामने आई, इस घटना पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार और भेदभाव पाकिस्तान में कोई नया नहीं। बीते एक साल के दौरान ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जिनमें जनवरी 2020 में सिंध के भटियानी स्थित माता रानी मंदिर और गुरुद्वारा जन्म स्थान पर भी हमला हुआ। दिसंबर 2020 में खैबर पख्तूनवा इलाके के कारक मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों और उनके पूजा स्थलों पर हमले की घटनाएं रोकने में पाकिस्तान का सरकारी तंत्र और वहां का सुरक्षा बल नाकाम साबित हुआ है। भारत सरकार ने पाकिस्तानी उच्चायोग के मिशन प्रमुख आफताब हसन खान को विदेश मंत्रालय तलब कर सख्त ऐतराज जताया और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखने को कहा। ये भारत के सख्त रुख का ही असर था कि जिस गणेश मंदिर में तोड़फोड़ और हिंसा की गई, अब उस पूरे इलाके में सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट करके घटना की निंदा की है और पंजाब के पुलिस प्रशासन को कार्रवाई का आदेश दिया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लेते हुए पाकिस्तानी पंजाब के आईजी को नोटिस जारी कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए हिंसा करने वालों की गिरफ्तारी और मंदिर की मरम्मत का आदेश भी सुनाया। मंदिर में मरम्मत का काम तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन अब तक इसमें तोड़फोड़ मचाने वाले किसी भी शख्स की पाकिस्तान की पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की। तो पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का सत्य वचन देखा आपने, और अब बारी है आज देश के सबसे बड़े सियासी मुद्दे के सत्य वचन को जानने की। हॉकी के जिस जादूगर ने 1928 में, 1932 में, 1936 में लगातार 3 ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता, जिसकी हॉकी स्टिक के जादू का लोहा दुनिया ने माना, जिसने हिटलर जैसे तानाशाह के आगे झुकने से इनकार कर दिया, अपने उस महान खिलाड़ी को भारत ने आज बड़ा सम्मान दिया। देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार को ध्यानचंद के नाम से सम्मानित किया गया। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस मुद्दे पर राजनीति हावी है। हमने देश के 10 उन टॉप स्टेडियम की लिस्ट आपके सामने रखी है जो नेताओं के नाम पर है, लेकिन इस लिस्ट में नीचे के दो नामों को आज कांग्रेस ने उछाला। पीएम मोदी और अरुण जेटली के नाम पर बने स्टेडियम कांग्रेस को खटक रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। पीएम ने कहा, देश के नागरिकों की ओर से की गई अपील पर गौर करते हुए यह फैसला लिया गया है कि अब खेल रत्न अवार्ड मेजर ध्यानचंद अवार्ड कहा जाएगा। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने एक दूसरा ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने हॉकी के साथ साथ देश का गौरव बढ़ाने में ध्यानचंद के योगदान का जिक्र किया। ध्यानचंद ने देश का जो मान बढ़ाया है उस पर उन्हें सम्मान देने से कांग्रेस को कोई गुरेज नहीं, पर राजीव गांधी का नाम हटाने के फैसले को कांग्रेस ने राजनीतिक बता दिया। कांग्रेस को यह फैसला इतना खटका कि पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गई, पर प्रतिक्रिया सधी हुई थी। मेजर ध्यानचंद जी ना भूतो ना भविष्य ऐसे खिलाड़ी थे। हॉकी के जादूगर का नाम उन्हें पूरे देश ने नहीं पूरी दुनिया ने दिया था, पर उनका नाम, मेजर ध्यानचंद का नाम, शायद अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी अपने छोटे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ना घसीटते तो अच्छा था, पर मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार का नाम रखने का हम स्वागत करते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बीजेपी को घेरने के काम में कांग्रेस ने जो अगला बयान दिया उससे पार्टी खुद ही घिर सकती है। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए, अरुण जेटली स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे निर्मित स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए। अब रखिए पीटी उषा के नाम से, अब रखिए सरदार मिल्खा सिंह जी के नाम से, अब रखिए मेरी कॉम के नाम से, अब रखिए सचिन तेंदुलकर, गावस्कर और कपिल देव के नाम से। अब शुरुआत हो ही गई है तो अच्छी शुरुआत करिए, और सबसे पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम और अरुण जेटली स्टेडियम का भी नाम बदलकर मिल्खा सिंह स्टेडियम रख दीजिए। इस मुद्दे पर जो हंगामा हो रहा है उस पर सत्य वचन तो यही है कि कांग्रेस को बीजेपी के नेताओं के नाम पर सवाल उठाना बिल्कुल शोभा नहीं देता। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं तो एक बार फिर इस लिस्ट पर नजर डालिए जो हमने आपको शुरुआत में दिखाई। मोटे मोटे देश के 10 बड़े स्टेडियम की जो लिस्ट हमने तैयार की उसमें किस पार्टी के नेताओं के नाम की भरमार है ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है, और ये तो बस कुछ चुनिंदा स्टेडियम है जो नेताओं के नाम पर है। कांग्रेस के एक नेता के नाम पर देश में कई कई स्टेडियम बने हैं। नेताओं के नाम पर स्टेडियम नहीं होने चाहिए की राजनीति में कांग्रेस क्यों बैकफुट पर आ गई है उसे एक और आंकड़े से समझिए। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर देश में 9 स्टेडियम हैं, इनमें से 8 घरेलू और 1 अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। इंदिरा गांधी के नाम पर देश में 3 स्टेडियम हैं। राजीव गांधी के नाम पर 4 स्टेडियम, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर 2 स्टेडियम, अरुण जेटली के नाम पर 1 स्टेडियम और पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर 1 स्टेडियम। लेकिन कांग्रेस बाकी सभी नामों को भूलकर अहमदाबाद में मोदी के नाम पर बने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम पर सवाल उठा रही है, और बीजेपी वंशवाद पर हमला कर जवाब दे रही है। इस देश में अब योग्यता,
देश के प्रति समर्पण, इसको देख के आपको याद किया जाएगा। उपनाम को देख के या वंशवाद को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। नेताओं की इस लड़ाई के बीच सोशल मीडिया पर भी अलग अलग प्रतिक्रिया दिख रही है। एक यूजर ने तो गांधी परिवार के नाम पर होने वाले टूर्नामेंट और स्टेडियम की लंबी लिस्ट सामने रख दी। एक ने हॉकी की भाषा में कांग्रेस पर तंज किया। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग अब ध्यान चंद को भारत रत्न दे ही देने की मांग कर रही है। इन सब राजनीति का निष्कर्ष चाहे जो भी निकले, पर आज के फैसले से ध्यानचंद का परिवार बेहद खुश है। बड़े सम्मान की बात है, ध्यानचंद जी को ये सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजीव गांधी खेल पुरस्कार से बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार खेल रत्न के नाम से दिया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को नीरज चोपड़ा, पहलवान बजरंग पुनिया और गोल्फर अदिति अशोक से पदक की उम्मीद है। नीरज चोपड़ा से भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड की उम्मीद की जा रही है। नीरज का मुकाबला पाकिस्तान के अरशद नदीम से होना है और इस मुकाबले को लेकर ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट हैं मानस कुमार, उन्होंने रेत से नीरज चोपड़ा की भाले के साथ अद्भुत तस्वीर बनाई है और लिखा है इंडिया वेटिंग फॉर गोल्ड, यानी भारत को गोल्ड का इंतजार है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।